गाइस, छोला पूरी प्याज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। तो अभी जाना है हम लोग को हजरतगंज, मतलब मैं भाई आया हुआ है ना, तो उसके संग जाना है हजरतगंज। और जाएंगे मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह, चाय वाय देखते हैं, कुछ एक्सप्लोर करेंगे आज। और ये देखो हमारा डॉगी भी आया हुआ है, मतलब हमारा नहीं है, हमारे ताई का है, तो उसका नाम है टफी। तो हम आपके हैं कौन वाला है ये। चलो कैमरा वगैरह माउंट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके गाइस, तो माउंट कर दिया है कैमरा और बाइक भी स्टार्ट कर दिया। चलो भाई, बाय बाय। और आज मैंने थोड़ी कैमरा सेटिंग्स भी चेंज करी है, मतलब वाइड एंगल कर दिया है थोड़ा सा, अल्ट्रा वाइड करके कुछ है। और मुझे इतना आइडिया भी नहीं है यार, अभी गोप्रो का मैंने इतना खुरपेची की नहीं है, होता है ना खुजली हो जाती है, खुजली होना दम घुस के। इतनी अभी R&D करी नहीं है मैंने गोप्रो में, तो देखो कभी ज़्यादा चूल होगी तो किया जाएगा भाई। ये खड़े हैं अपने दोस्त, हेलो, इस बार वीडियो डालूंगा तुम्हारी। तो आज का प्लान ऐसा है भाई कि जा रहे हैं हजरतगंज और देखते हैं कुछ बढ़िया मिलेगा। तो प्लान तो ऐसा किया था कि वाजपेयी की फेमस कचौड़ी खाएंगे, तो लखनऊ में एक है फेमस वाजपेयी कचौड़ी, पर शायद वो 9 बजे से ही मिलता है यार, तो एक बार वहाँ से राउंड लगा लेंगे, मिलेगा तो खाते हुए चलेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। और उधर ही एक फेमस चाय वाला भी है, मतलब शर्मा टी वाला, तो मैंने आप लोग को एक बार दिखाया था पहले वाली वीडियोज़ में, आप लोग देख सकते होंगे उसको। और एक और है जहाँ पर हम लोग पीते हैं, तो वो जगह भी आप लोगों को दिखाएंगे अभी। बाकी बस ऐसे ही राइड करेंगे मस्त। और इतने दिनों बाद मैं आज सुबह उठा हूँ, मतलब सुबह का सूरज तो आज बड़े ही दिनों बाद देखा है, इतनी सारी ट्रिप्स हो गई बीच में, घूमते रह गए, तो हाँ आज बड़े दिनों बाद इतनी जल्दी उठ के राइड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। अरे कहीं पे भी मुड़ गया, अरे तो यहाँ मुड़ना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मुझे लग रहा है कि पोपट होने वाला है मेरा। कहीं हम लोग नितिन भैया की चाय तो नहीं जा रहे, अगर ऐसा है तो बहुत गंदा कटने वाला है भाई। ओ हाँ, वही तो हम बोल रहे थे तुमसे, मैं सीधे जा रहा था, मैं ऐसे घूम के आया हूँ पूरा। हाँ अब आगे से चलो भाई, पोपट तो नहीं हुआ कम से कम, जा वही रहे हैं। गाइस पेट्रोल भरा लेते हैं क्योंकि एकदम पेट्रोल नहीं है, 26 किलोमीटर चल गई रिजर्व में, 500 का डाल दीजिए भैया। चलो भाई पेट्रोल भरा लिया है, और सनी भाई फिर से 500 का भराया, देखो मैं गरीब हूँ, थोड़ा पैसा दे दो भाई। तो गाइस पहुंच चुके हैं हजरतगंज चौराहा, अब पहले वाजपेयी की कचौड़ी देख लेते हैं यार कि खुला है कि नहीं, एंड देन जाते हैं चाय वाले के वहां। भीड़ तो लग रही है यार, मैं भी खुला हो तो सामने है भाई वाजपेयी की कचौड़ी, देखते हैं इनसे पूछते हैं खाते हैं कि नहीं।
दरी खड़ी करो। अरे उधर ही लगा रहे भैया। अरे भैया सब मेरे इंडिकेटर की। अबे इसने तो इंडिकेटर सही कर दिया मेरा। मार के? अंदर घुसा दिया, वो बाहर निकला हुआ था अभी। सही हो गया। अबे तो निकला होगा। हाँ मार के अंदर सही हो गया। लखनऊ की खूबसूरती आप देख सकते हो। कैश लाया हूँ वैसे आज मैं तो। गाइस ये है बाजपाई कचौड़ी, ये है मयंक, ये है राज। पूरी छोले पूछो तो क्या मिल रहा है, पूरी छोले ही मिल रहा है मेरे ख्याल से अभी तो। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है लखनऊ में, अगर आप लोग आना चाहो तो ज़रूर ट्राई करना सुबह का ब्रेकफास्ट या जब भी आप चाहो। दो ही लो ना खाली, दो एक कुछ ले लो एक कुछ ले लो, मतलब अलग अलग। तो आ चुकी है अपनी छोला भटूरा और एक है पूरी। पूरी छोला चलो भाई टेस्ट करके बताओ। और नहीं भाई आज तो मैं ही दिखाऊंगा मैं बस कुछ लगा दे। अबे यहाँ फॉग हो गया पता नहीं कहाँ से, फ्रंट में लगा कुछ ज़्यादा। अभी यहाँ पे तो ठीक है कि लेंस में भी लग गया है, ये तो अभी ख़त्म हो जाएगा ये। जल्दी खाओ। चलो गाइस मैं भी खाता हूँ फिर बताता हूँ आप लोगों को। तो गाइस छोला पूरी प्याज टेस्ट तो काफ़ी बढ़िया है, और मसाला सारा काफ़ी ज़्यादा डालते हैं तो ये देखो लौंडा खांस रहा है इतना मसाला डाला है। तो हाँ वन टाइम मतलब खा सकते हो आप लोग, इतना मत खाना यार पेट ख़राब हो जाएगा वरना। टेस्ट तो बहुत बढ़िया होता है भाई बहुत बढ़िया। तो गाइस हो गया है उड़ी उड़ी सब खा ली है, तो आपको कैथीड्रल चर्च के सामने ये मिल जाएगा, मतलब पीछे साइड वाले साइड में। अरे गूगल कर लेना सब मिल जाएगा। वैसे तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है बट मसाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं यार। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ही खा रहे हो या फिर मतलब अगर दो लोग हो तो एक ही प्लेट लेना, अगर आप लोग इतना मसाले वाला खाना नहीं खाते हो। अगर आपको स्पाइसी वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो हाँ खाओ भाई मज़े से। तो फ़िलहाल आ गए हम लोग नाज़ा मार्केट, तो नाज़ा मार्केट से अंदर जाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे चाय वाली शॉप जहाँ हमको जाना है, और इसका नाम हम लोग को नहीं पता है भाई, तो अभी मैं गूगल करके देखता हूँ कि नाम क्या है। अच्छा नहीं लगता ना उनसे पूछना। तो गाइस ये है चाय वाला, तो यहाँ की चाय बनाने के स्टाइल अलग है। देखो पहले चाय डाल देते हैं और उसके बाद ऊपर से दूध डालते हैं और चीनी नीचे से अलग से, तो सब खुद ही मिलाओ और खुद ही पियो। हो गया। और गाइस यहाँ मधुमक्खियाँ बहुत है देख रहे हो, उड़ रही है एकदम, तो बच के रहना भाई मधुमक्खियों से। बहुत मधुमक्खी है भाई यहाँ, मधुमक्खी बहुत है यहाँ पे। चाय में गिर जाती भाई। सब लिया है चाय और मक्खन, और यहाँ पे मिलता है देखो। हाँ भाई तो सफ़ेद मक्खन मिलता है भाई यहाँ पे मस्त। सूंग के टेस्ट बताएंगे अभी, बढ़िया है भाई वाइट मक्खन। अपन को कुछ नहीं पड़ता कुछ भी कैसा भी कलर हो। खा लेते हैं इस चाय वाय पी लिया है, और अभी तो इतनी भीड़ नहीं है वरना बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, लाइन लगी रहती भाई चाय के लिए भी। चलो तो ये है नाज़ा मार्केट, जो राइट और लेफ्ट मतलब पूरा मार्केट ही है नाज़ा मार्केट ही है। तो यहाँ पे आपको एक्सेसरीज वगैरह मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाएंगे बढ़िया। कल जा रहे हैं शर्मा, मतलब पिएंगे नहीं बस दिखा देंगे दोस्त को, मतलब राज है तो वो
लखनऊ का नहीं है तो एक बार दिखा देते हैं शर्मा चाय, क्योंकि चाय पी ली है यार, और शर्मा की चाय काफ़ी ज़्यादा पी हुई है हम लोगों ने, इसलिए तो ये रहा अपना शर्मा जी की चाय। शर्मा जी की चाय, आप यहाँ आए और पिए चाय। अरे ताता, मयंक की गाड़ी क्या सेक्सी लग रही है भाई, देख रहे हो? बाय द वे मयंक के पास है जावा 4.2 आई थिंक, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है लुक वाइज, तो बहुत ही सेक्सी लगती है, मतलब लोग पूछते हैं भाई आके। हम लोग जा रहे हैं डीपी पुल से, और मीन वाइल मैं आप लोगों को रेट बता देता हूँ, शायद रेट बताना भूल गया था। तो जो कचौड़ी वाला था, मतलब वाजपेयी कचौड़ी में, तो वहाँ पे वैसे कचौड़ी वगैरह मिलती है, हम लोग ने तो मतलब काफ़ी खाई हुई है पहले भी, तो आज हमने छोले भटूरे और पूड़ी छोले लिए थे, तो 65 रुपीज़ में दोनों मिल गए थे दो प्लेट, तो कुछ तो 35 का एक है या 30 का एक या 40-25, आई डोंट नो क्या रेशो है उसका। और चाय का भी 20 रुपए की शायद चाय है एक, तो चाय का रेट मुझे यार एकदम श्योर नहीं है, क्योंकि मोस्टली मयंक ही लेता है जब भी आते हैं हम लोग, तो हाँ 20 रुपए की चाय और 25 का बंद मक्खन होगा जितना मुझे लगता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। और कवल टी स्टॉल चाय का नाम है, मतलब वो दुकान का, गूगल में आप कवल टी स्टॉल डालोगे तो आपको वहाँ पहुँचा देगा, और आसपास ही है, शर्मा के भी पास है, तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हो। और यार आजकल हर हाईवे पे, मतलब फ्लाईओवर पे ये लग गए हैं यार प्लास्टिक के बैरिगेट टाइप के, वैसे तो सेफ्टी के लिए सही है बट व्यू वगैरह नहीं आता है यार अब तो, उसके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार। हेड कोई ना यार, सेफ्टी से बढ़कर तो वैसे कुछ नहीं है, तो ठीक है, मैनेजेबल है। और सामने से यहाँ से आपको झंडा थोड़ा सा मे भी दिख रहा हो, पहले तो मस्त अच्छे से दिखता था, अभी इन्होंने बैरिगेट लगा दिए हैं तो व्यू थोड़ा सा कम हो गया है। और देखो मंदिर खुल चुका है, मतलब मंदिर तो हमेशा ही खुला रहता है यार। जय भोले बाबा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काइंड ऑफ अ फूड ब्लॉग, चाय की तलाश जो बोल लीजिए आप लोग। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बस घर पहुंच ही गए हैं घर, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, जय हिंद सभी को।